बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए नई रेसिपी लेके आ जाऊँ हूँ। ये सुबह की नाश्ते की रेसिपी है, तो जिसमें ये चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे, ये सेव करने के लिए हैं। मतलब जिस तरह औरतें काम करती हैं, जिनके लिए मुश्किल होती है ये रेसिपी ख़ास तौर पर उनके लिए, तो भी मैं आपको बता देती हूँ। चीज़ें ये देख सकते हैं, मैंने दो प्याज लिए हैं, दो हरी मिर्च ली हैं, दो गाजरे लिए हैं, दो टमाटर लिए हैं, दो शिमला मिर्च ली हैं और धनिया थोड़ा सा, तो साथ में मैंने केबिज लिए है, ये बॉयल हुई है तो ताज़ा नहीं थी मेरे पास, फिर मैंने यही ले लिया। अगर आपके पास ताज़ा हो तो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को छोटे छोटे काट के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो हाँ, तो जी ये देख सकते हैं आप, ये मैंने सारी चीज़ें छोटी छोटी काट ली हैं। तो टमाटर के बीज मैंने निकाल लिए थे, केबेज भी काट लिए। तो ये बॉक्सेस आप देख सकते हैं, अक्सर होटल से अगर कोई पार्सल लाते हैं घर में तो इस तरह के पार्सल आते हैं, तो इनको आप फेंक कर ना करें, इनको फ्रीज़र में रखने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये कम जगह लेते हैं और फ्रीज़र में आ भी जाते हैं अच्छे से। तो अभी मैं इन चीज़ों को मिक्स करने लगी हूँ, मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं, इनमें मैंने कोई मसाला शामिल नहीं किया। अभी मैं इनको बॉक्सेस में डाल दूँगी। ये देख सकते हैं मैंने दोनों बॉक्सेस में डाल दिया। अब इनको मैं ढक्कन लगा के फ्रीज़र में रख दूँगी। ये थोड़ा सा मैंने बचा लिया, इसकी मैं भी आपको रेसिपी बना के दिखाऊँगी। तो इसमें यह फ़ायदा होता है, इसको आप फ्रीज़र कर लेते हैं, ख़ासतौर पर जो औरतें काम करती हैं, साथ में बच्चे देखने होते हैं, घर देखना होते हैं, उनके लिए स्पेशल ये वीडियो मैंने बनाई है कि ये चीज़ें अगर आप संडे वाले दिन काट के रखते हैं फ्रीज़र में, तो आप एक हफ़्ते के लिए उनको फ्रीज़र कर सकती हैं और आपको फिर बार बार काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जस्ट टिफ़न निकाला और निकाला, अंडे में डाला और मिक्स करके तवे पे डाल दिया और आसानी से आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी। इसे आप जिस तरह वो आटे का घोल बना के उसमें सब्ज़ियाँ शामिल करके उस तरह से भी रोटी बना सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊँगी ये दोनों चीज़ें। तो चलें, अभी मैं थोड़ा सा काम करने लगी हूँ, नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ने लगी हूँ जो मैं आज, तो मैं अभी इनको पैक करके रखती हूँ, फिर मैं आपको बाकी बातें बाद में करेंगे और साथ में रेसिपी। तो जी ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने इस रेसिपी के लिए एक अंडा लिया, उसमें ब्लैक पेपर और नमक डाल लिया, आप अपने हिसाब से शामिल करें ये चीज़ें, मिर्ची और नमक। तो ये 3 चम्मच मैदे के लिए और 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च के लिए। अभी मैं इसका घोल बना लूँगी, फिर मैं आपको साथ साथ। हाँ तो जी ये देख सकते हैं आप, अंडे में मैंने सब्ज़ी डाल के मिक्स कर लिया है, तो घोल भी मैंने बना लिया है। अभी इसके अंदर मैं सब्ज़ी डालूँगी, ये देख सकते हैं आप, तो ये सब्ज़ी डाल के मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। अभी मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं मैंने मिक्स कर लिया। अगर आप लोगों के पास मैदा और कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप सिंपल जो आटा घर में हम जो यूज़ करते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर एक अंडा डाल के। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके हम इसकी रोटी। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने ये चीज़ें सब्ज़ी डाल के इसके अंदर मिक्स कर लिया। आपको जिस हिसाब से सब्ज़ी खानी हो, शामिल करनी हो, उस तरह से आप डाल के इस्तेमाल करें इसमें। तो चलें जी, अभी मैंने तवा चूल्हे पर चढ़ा दिया, मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं तवे पर मैंने थोड़ा सा घी डाल लिया। अभी मैं इसमें जो आटे का घोल बनाया था वो डालने लगी हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैंने तवे पे डाल दिया। अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको अच्छे से पका लूँगी, फिर मैं इसको पलट लूँगी। ये देख सकते हैं एक साइड से हो गया था, मैं इसको पलट लिया है। तो ये हमारा पराठा भी, इसको हम दूसरे साइड से पका लेंगे। तो ये जब हो जाएगा मैं इसे आपको उतार के दिखाऊँगी। ये देख सकते हैं हमारा पराठा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी मैं ऑमलेट बना के आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं अंडा भी मैंने एक साइड से डाल के इसको पका लिया है। अभी मैं इसको उतारने लगी हूँ। तो जी ये देख सकते हैं हमारा प्यारा सा ऑमलेट भी तैयार हो चुका। तो अभी हम तीसरी रेसिपी की जानब आते हैं। ये दोनों चीज़ों को मैं एक साथ मिक्स कर लूँगी। तो जी ये आप देख सकते हैं, इसमें 1 चम्मच मैदा मैंने और डाला था, साथ में मैंने इसमें 1 चम्मच सब्ज़ी की शामिल की थी। आप लोग जिस तरह आपके घर में अफराद हों उस हिसाब से ये सारी चीज़ें डाल के शामिल करें, क्योंकि किसी घर में ज़्यादा होते हैं और किसी घर में कम, आप अपने हिसाब से बनाएं। तो इसमें मैंने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च भी डाली थी। अभी मैं इसको आपको तवे पे डाल के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मैंने डाल ली है। तो आप जब भी इस तरह का कोई घोल बना के रखें तो उसको एकदम से सारा तवे पर ना डाला करें, थोड़ा सा छोड़ दिया करें, क्योंकि किसी किसी जगह से रोटी हमारी सही नहीं बनती, तो उस जगह पे आप चम्मच से घोल डाल दिया करें, फिर बिल्कुल घोल बन के तैयार हो जाएगी। तो जैसे ही ये पक जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देख सकते हैं हमारा पराठा ये बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अभी इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से डेकोरेट करके आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा नाश्ता बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आप संडे वाले दिन इस तरह का नाश्ता लाजमी बना के खाया करें, पूरे हफ्ते की जो थकावट होती है वो उतर जाती है। तो ये बच्चों के लिए सारी चीज़ें बना के रखा करें। सब्ज़ी इस तरह से काट के रखनी है तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी। ये जो गोल बनाते हैं ये गोल अगर हम दो रात को बना के रख दिए, अगर सुबह की बार दो से हम बच जाते हैं सब्ज़ी इसमें मिक्स करके रख के, इस तरह ऑमलेट बना के वो भी मिक्स करके रख सकते हैं हम लोग। तो ये फिर हमारी जो भाग दौड़ है वो कम हो जाती है, तो हम अच्छे से सारे काम ख़त्म कर लेते हैं। तो स्पेशल ये रेसिपी मैंने इसलिए बनाई थी आप लोगों के लिए। तो चलें जी, दुआ में याद रखें, दुआ सबके लिए की, अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। दुआ में याद रखें, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी रेसिपी को देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।